नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। जवाहर नगर का ये इलाका, यहां से आने जाने वाली रोज़ की गाड़ियां लगातार स्पीड पकड़ती है और कल तो एक ऐसा वाक्या हुआ जिसे सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, आपके आंसू नहीं रुकने वाले, क्योंकि यहां पर एक 16 साल का बच्चा खड़ा था। यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है 100 से 120 की स्पीड के अंदर जाती है और उस बच्चे को इतनी ज़ोरदार टक्कर मारती है कि वो बच्चा बेहोश तक होने की स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। उसकी टार उसकी जो टांग है उसको कुचल करके वो गाड़ी चली जाती है बुलेरो कैंपर। उस गाड़ी का नाम बताया जा रहा है, घर दिखाना चाहूँगी एक बार। यही वो घर है जिस घर का वो बच्चा था, 3 से 4 नंबर ये गली बताई जा रही है। और जवाहर नगर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख पा रहे हैं कि पुलिस भी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुँची है। और बता देती हूँ ये घटना जो है कल रात की है, कल रात को वो बच्चा यहाँ पर खड़ा था या क्या कर रहा था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। गाड़ी आती है 100 से 120 की स्पीड के ऊपर और उसको कुचल करके चली जाती है। उसके बाद ना तो गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, ना ही गाड़ी वाला मुड़ के पीछे देखता है और लगातार ऐसी वारदात यहाँ पर होती रहती है। वो देखिए, बच्चे के परिवार वाले जो है यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर लगातार होती रहती हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं स्थानीय जो कल यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए आपकी कल क्या आप यहाँ पर मौके पर मौजूद थे? मौके पे मौजूद नहीं थे, मौके पे ये दुकानदार भाई हैं सारे के सारे मौजूद थे। और या ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले भी बहुत बार ये कंप्लेंट की है कि ये पूरा हाईवे बना रखा है इन लोगों ने। अभी हम लोगों ने निगम में भी बात की है, उन्होंने कहा है कि होली के बाद जहां आप लोग कहेंगे दुकानदार भाई वहां 3 तो यहां पर स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। उसके अलावा अभी चौकी इंचार्ज यहीं आए हुए हैं रमेश जी, उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा है कि 1 घंटे के अंदर पूरे यहां से लेकर और HU गेट नंबर 4 तक सारे कैमरों की फुटेज अब चेक कर रहे हैं। उसका नंबर साफ नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ रैश ड्राइविंग, अगर आप हमारे पास CCTV इमेज है वो आप देखोगे उसमें इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर और भी इन्होंने नंबर बताए हैं पुलिस वालों को, जो लोग ऐसा करते हैं कार्रवाई करवाएंगे। पहला काम हमने निगम में भी बोल दिया है कि होली के बाद 3 दिन उनके हैं, वो हमारे को यहाँ बनाकर दे दे, नहीं तो 4th दिन यहाँ कोई आगे से कोई निगम प्रशासन वाला नहीं आएगा, हम खुद ही फिर अपने। दुकानदार कौन है जो कल मौके पर मौजूद था? ये रिलेटिव है उनकी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि कल हुआ क्या था जो आपने देखा? ये मैडम जी बात है 7:30-7:32 पे, तब गाड़ी बहुत तेज गति से निकली थी और भाई साहब का बच्चा था यही था, बार उसका एक्सीडेंट हुआ। वो कर क्या रहा था उस टाइम? तो उस टाइम बच्चा, तो हम तो दुकान के अंदर थे, तो बच्चा बाहर ही था निकलने के लिए, कुछ चीज लेने के लिए निकला होगा ना बुक सेंटर से कुछ, तभी ये घटना हुई थी। ठीक है, उनके रिलेटिव कैमरे में भी आया ना, देखो इसमें भी हम दिखाना चाहेंगे कैमरे में भी आपको गाड़ी कितनी तेज गति से निकली और ये बंदा देखो कितना यहाँ से इसको भी हिट करते करते बची है गाड़ी। ये देखो, ये भी कंफ्यूज हुआ बंदा भाई, देखो कैसे निकली गाड़ी से, ऐसे करना है। एक बार दोबारा से फुटेज दिखाइए, ये कौन है ब्लू शर्ट के अंदर? ये तो कोई आया लेने, यहाँ कस्टमर है, कस्टमर है जी, बाहर दूध लेने, बाहर की गाड़ी की दिखा रहे हैं आपको, दूध की दुकान है। ठीक है, ये जो है दुकान के बाहर दूध लेने के लिए आए हुए थे, पीछे से गाड़ी गुजरती है, ये देखिए थोड़ा सा पीछे करिए और ये देखिए, ये गाड़ी इतनी तेज यहाँ पर गुजर रही है। एक मिनट ऐसे दिखाइए, ये अब गाड़ी व्हाइट कलर की है, देखिए गाड़ी इतनी तेज गुजर रही है, एकदम से टक्कर मारी जाती है। तो ये इंसान भी पीछे मुड़ के देखता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि इतनी तेज गाड़ी ने टक्कर मार दिया। उनके रिलेटिव अभी मेरे साथ मौजूद थे, कहाँ सर मुझे ये बताइए कि आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? मेरा भतीजा है जी। ठीक है, आपका भतीजा है, तो अब उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी नाजुक है जी। मतलब क्या हुआ है, कितनी चोट आई है, गंभीर चोट आई है? क्योंकि बच्चे को जो है वो गाड़ी 100 से 120 की स्पीड के ऊपर कुचल करके निकल गई, बच्चे का जो पैर है पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन की जो नौबत आ चुकी है या फिर कल कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पैर काटना भी पड़ सकता है, ऐसी क्या स्थिति बन चुकी है? मैम कल ऐसा था, कल जब हम उसको लेके गए थे तो वो बोले जी पैर काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया है, नस वगैरह उसकी जोड़ी हैं, कुछ उसे रिलीफ मिला है, मगर उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था, अभी चेकिंग उनकी भी चल रही है। और जैसे कि एक राड वो यहाँ बता रहे हैं डलनी है, और 2 नीचे फ्रैक्चर हैं और एक राड यहाँ डल चुकी है उसकी। अच्छा। कल उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं,
अभी दो या तीन अभी होने बाकी हैं। कौन से हॉस्पिटल में? अरोड़ा में। ठीक है, अरोड़ा हॉस्पिटल में। अरोड़ा हड्डियों के अस्पताल के अंदर वो अभी एडमिट है, उनके कुछ और परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, उनके पास भी लेकर के चलूंगी। लेकिन सबसे पहले एक बात और जान लेते हैं कि इस तरीके से गाड़ी गुजरना कितना सेफ मानते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि कुछ और दुकानदार भी यहाँ पर होंगे। दुकानदार कौन है आप में से? ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप रोजाना यहाँ पर दुकान के अंदर बैठते होंगे, दिन के अंदर लगभग कितनी गाड़ी ऐसी होती है यहाँ से जो इतनी की स्पीड के अंदर जाती है? दो चार घड़े रोज ही टपती, इतनी फुल स्पीड से पता नहीं चलता कि कैसे है। कल भी ऐसे ही खड़े थे बच्चे, पीछे से गाड़ी आई, इतनी देर इनको उड़ा के चलेगी, दिखा ही नहीं, 100+ की स्पीड थी वो। उसके बाद सुबह, आज सुबह भी मना नहीं किया, फिर भी आज सुबह गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड भी गई यार। अभी तो शाम बाकी है, सुबह से बहुत ज्यादा, सुबह से लेकर शाम तक मानो काफी बाइक है, गाड़ियां है, बुलेट है, इतनी स्पीड से चलती है कि मानो को देखते नहीं है कोई आगे खड़ा है या नहीं खड़ा है, दुकानदार है या कस्टमर है, आम पब्लिक है, उनको तो अपने काम से मतलब है, उनको तो गुंडागर्दी से मतलब है। बिल्कुल, इस रोड के ऊपर सारी दुकानें हैं और शायद यहाँ जाकर के रहने वाले घर बनाए गए हैं। हाँ जी, ठीक है। और ये रोड की बात की जाए तो ये भी कुछ ज्यादा चौड़ी नहीं है, एक बार रोड दिखाना चाहूंगी आपको कि इतनी ज्यादा रोड चौड़ी नहीं है हाईवे की तरह कि आप लोग इतनी ज्यादा स्पीड के अंदर यहाँ से गाड़ी निकाल पाए। हालांकि अगर बाइक भी कोई स्पीड के अंदर निकालता है तो भी एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल यहाँ पर बना रहता है। परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप उस बच्चे की दादी हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि बच्चे की हालत कैसी है अभी? अब तो डोड़ा मर गए। लेकिन रोइए मत, ठीक हो जाएगा बच्चा। लगातार जो है आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि आज ये घटना यहाँ पर हुई है, कल आपके इलाके के अंदर भी हो सकती है। इतनी तेज स्पीड के अंदर बाइक या कोई भी गाड़ी आप लोग चलाते हैं तो आगे संभल करके चलिए, ताकि ऐसे किसी के घर की हालत ना हो जाए कि किसी के घर का चिराग जो है इस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो और उसके परिवार वाले यहाँ पर इस तरीके से रोते और बिलखते नजर आए। आंटी जी प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखिए, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप हॉस्पिटल के अंदर मिलने गई थी उनसे? मैं रात को 3 बजे आई हूँ। अच्छा, रात को 3 बजे आई। थोड़ा सा पानी पीजिए, आप पानी पिलाइए इनको थोड़ा। कोई बात नहीं, अंदर से बैठा। खड़े हो गए, मार गए अंदर, 1 मिनट में आया बच्चा। बच्चा तो ऐसे ही लेने जा रहा था बेचारा यहाँ पे, तो बाहर निकलते। ये वैसे ये रोक लगानी चाहिए ऐसे गलियों के अंदर, इतनी तेज गाड़ी भगानी अच्छी बात नहीं है। ये तो आपको करना ही चाहिए। कौन से प्लस वन में? प्लस वन में है। अच्छा, तो अभी तो पेपर होने होंगे उसके? पेपर तो हो गए उसके, पेपर हो गए। कहाँ हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, बाकी है ना, नहीं हुए, पोस्टपोन हो गए होंगे ना कोरोना की वजह से। ये ले पानी, पानी। क्या आप भी हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए गई हैं अभी तक? यही थी, मेरे सामने ही। अच्छा, आपके सामने ही हुआ है यहाँ से? आखिरकार हुआ क्या था, मुझे विस्तार से बताइए। सामने मैं नहीं, मैं तो यही सामने ही रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने देखा नहीं राजी, मैंने देखा घर से आया यही कोने में ही, बस किसी ने गाड़ी बिल्कुल तेज गाड़ी जा रही थी। ये देखो, मैंने इतना खून था, मैंने सारा पानी गिर गिर के साफ करा, गाड़ी में लेके जाने लगे ना, इतना खून निकला उसका। फ्रैक्चर हो गए ना उसको, 4 फ्रैक्चर हो गए, 2 नीचे 2 मांस काफी लगी। अच्छा, तो कितने जने लेकर के गए थे कल? पता नहीं, बहुत यहाँ तो मान लो 300 जने थे, 300 जने वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत पहुँचे, बहुत लोग यहाँ थे, 600 लोग। तो अब देखो यहाँ का भी सीन तो देखो, तो मतलब बच्चा करने क्या जा रहा था यहाँ से, कहाँ पर गया था? कोई लड़का बुला के लेके गया इसको यहाँ तक गया। अच्छा, ऐसे दोस्त आया था? हाँ हाँ, अंदर था, उसके पापा उसी टाइम ही आए थे, और मेरे बेटे ने फटाफट दुकान पे से फटाफट लड़के को उठा के गाड़ी में डाल के फटाफट ले गए उसने अरोड़ा में। देखिए, दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, आज के ज़माने की बात करके चले तो घर के सामने भी कोई व्यक्ति सेफ नहीं है, तो कैसे अपने घर के अंदर हम लोग रह सकते हैं।
हालांकि बार बार बात की जाती है कि हाईवे के ऊपर इतनी तेज स्पीड के अंदर गाड़ी चलती है, खतरा बरकरार रहता है। जब भी कोई घर का बच्चा बाहर निकलता है तो माँ बाप के मन के अंदर आशंका बनी रहती है कि वो बच्चा शाम तक जब तक घर पे नहीं आता दिल की धड़कनें तेज हो ही रहती है। लेकिन अब यहाँ की कैसे बात कर ली जाए कि अगर घर से बच्चा सिर्फ पैदल ही निकला हो कुछ ही दूरी के अंदर, सिर्फ देखिए घर कहाँ है, घर से मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ 50 मीटर की दूरी होगी ये जो उसने तय की होगी। इसी के अंदर एक बुलेरो गाड़ी आती है और तेज स्पीड के अंदर उसको मार करके या फिर कह सकते हैं कि कुचल करके चली जाती है। उस बच्चे की टांग जो है बिल्कुल इस तरीके से सराबोर हो जाती है, खून के अंदर वो लथपथ हो जाता है। उसको लगभग 200 से 300 लोग आकर के अस्पताल लेकर के जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर की तरफ से कहा जाता है कि हो सकता है उसकी टांग तक काटनी पड़ जाए। जी हाँ, उस 16 साल के बच्चे की क्या उम्र है अभी कि उसकी अभी जो है इस तरीके की हालत बन गई है। आप देख पा रहे हैं परिवार वाले कितना ज़्यादा रो रहे हैं। और उसके बाद बता देती हूँ, अभी जो है बच्चे की नसें जोड़ करके डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं। 2 से 3 फ्रैक्चर है, एक रोड डली है, आगे भी रोड डलने वाली है ऐसा बताया जा रहा है। अभी देखते हैं कुछ समय बाद कि बच्चे की कैसी हालत होने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, रहने वाले इलाकों के अंदर, रहने वाली गलियों के अंदर इतनी ज़्यादा तेज स्पीड के अंदर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हालांकि अभी जो है पुलिस यहाँ पर आई थी, नगर निगम के अंदर पहले भी कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए, 2 से 3 अगर नहीं बनाए जाते हैं तो। अब ये लोग खुद यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से लोग इतनी ज़्यादा स्पीड। अभी ये देखिए इस रोड की हालत बताना चाहूँगी, एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी के निकलने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। दोनों गाड़ियाँ जो है आपस में यहाँ पर आगे पीछे हो रही है, लेकिन ना तो वो आगे जा रही है ना जो बैक वाली है वो पीछे जा रही है। इस तरीके का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी सी जगह के अंदर एक बुलेरो गाड़ी जो कि अगर जो है पोजीशन की बात की जाए, एंगल की बात की जाए तो उसके अंदर भी बड़ी होती है ना कि वो छोटी होती है, तो यहाँ से गुजरती है गाड़ी और उस बच्चे को टक्कर मार करके चली जाती है। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है कि पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुँच के जो है मौके वारदात का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार जो है आसपास वालों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि उसके अंदर वो आदमी था कौन। चलिए हो जाती है गलती, मार दिया सो मार दिया, लेकिन रुक करके एक बार देखना तो चाहिए कि बच्चे को चोट ज़्यादा तो नहीं लगी है। हो जाता है कई बार जो है बिल्कुल आकस्मिक एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपनी गलती माने और वहाँ पर रुक करके जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल ले करके जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने गाड़ी की टक्कर मारी, हालांकि कुचला और उसके बाद वो तेज स्पीड के अंदर चला गया। हो सकता है कि उसने नशा किया हुआ हो, हो सकता है कि वो होश में ना हो, क्योंकि अगर दिन दहाड़े ऐसा कुछ होता तो हो सकता है कि वो रुक भी जाता, लेकिन रात की ये वारदात थी, रात के समय वो ना तो रुका और मार करके यहाँ से चला गया। पुलिस जो है यहाँ पर अभी जायजा लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर आकर कर खड़ा हुआ है कि घर के बाहर ही कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कभी चोरी हो जाती है, कभी ऐसे कोई आकर के गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है। चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि पुलिस तक भी ये बात पहुंचे और जो इस तरीके की सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए और स्पीड ब्रेकर जो है यहाँ पर बनाए जाए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट जवाहर नगर से, अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।